Sorry, kittens, only on PakWheels. अस्सलामुअलैकुम पाकविलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। हम अक्सर कमेंट सेक्शन में देखते रहे हैं कि लोगों ने हमसे काफी सवाल पूछे होते हैं और इश्यूज होते हैं जिनके रिलेटेड हम फिर वीडियोस बनाते हैं। इसी रिलेशन में मैं आपके लिए पहली वीडियो लेके आए थे जो कि पुलिस से रिलेटेड थी। आज की वीडियो कस्टम्स रिलेटेड है क्योंकि आप लोगों ने काफी सवाल पूछे हैं कि पाकिस्तान में नॉन कस्टम गाड़ी या कस्टम से रिलेटेड जो इश्यूज हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू में वो तमाम सवाल जो आप लोगों ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे हम उसको एड्रेस करें। सो मेरे साथ जाहिद खोखर साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कस्टम ऑफ पाकिस्तान। मेरे अंकल हैं और इसलिए मैंने उनसे टाइम लिया और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के जितने सवाल आते हैं उनके जवाब लेके आऊं। इंटरव्यू की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज टॉपिक ऐसा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी बिकॉज लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है वो लोग गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने कंसर्न्स और क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस करें। तो बहुत शुक्रिया ज़्यादा अंकल, आपने हमें टाइम दिया। अब टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, एक तो एक हमारे यहाँ पे ना, मैं जनरली हमेशा हमारे वीडियोस में भी लोगों को बताता रहता हूँ और लोगों को गाइड भी करता रहता हूँ कि बड़ा अट्रैक्टिव लगता है एक वर्ड नॉन कस्टम कार का, और अगर गूगल सर्चिस पे भी जाए ना तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा सर्चिज हैं गाड़ी से रिलेटेड उसमें नॉन कस्टम बहुत है। सो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी मेरा ख्याल है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों को हमारे मुल्क में ना सस्ती गाड़ी जो है ना उसका शौक है जी हम सस्ती ले लें, और मैं उनको बताता रहता हूँ कि अगर आप ये सस्ती गाड़ी एक दफ़ा ले तो लेंगे बट ये आपको लॉन्ग टर्म में महंगी पड़ेगी बिकॉज आप एक गाड़ी ले लें वो नॉन कस्टम है, आज कल परसों कभी भी पकड़ी जाए तो आपने बेशक 60 लाख वाली गाड़ी 30 में लेके अपनी तरफ से 50% बचाया था, वो आपके 100% चले जाएंगे। सो हम आगे अपने इंटरव्यू को शुरू करते हैं। ज़्यादा अंकल एक सवाल ये था लोगों का कस्टम से रिलेटेड कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं, एक यूज़र लेता है, यूज़ गाड़ी ले रहा है, खासतौर पर हमारे यहाँ पे मुल्क में इंपोर्टेड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, सो उसको वेरीफाई कराने का कस्टम से कोई ऐसे ऑपरेशन है, कोई ऐसा रिकोर्स है कि कस्टमर वहाँ जाके उस गाड़ी को वेरीफाई करा सकता है कि मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूँ तो इसके जो पेपर हैं वो बोगस तो नहीं है, ड्यूटी पेड है, कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कस्टम के पास? जी, हर कस्टम हाउस के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर कस्टम हाउस के अंदर वो जो जहाँ वो GD फाइल हुई है, जहाँ से गाड़ी क्लियर हुई है, ज़्यादातर कराची कस्टम हाउस से होती है। ठीक है जी। तो वहाँ के जो रेलेवेंट AC कार सेक्शन वो कहलाता है, AC कार सेक्शन के पास जाया जाए वो उसी वक्त वेरीफाई कर देंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि एक हम फॉर्मल इसके ऊपर एक फॉर्मल सिस्टम बना दें कि जी हमारा एक फैसिलिटेशन डेस्क हो हर कस्टम हाउस के अंदर चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि फिर हर एक को कराची जाना पड़े। मसलन को लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर बेस्ड है तो वो अपने करीबी कस्टम हाउस में जाए तो वहाँ ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ चेक कर लिया जाए और उसको फिर हम रसीद दें यस दिस व्हीकल हैज़ बीन वेरीफाइड बाई दिस ऑफिसर ऑन दिस डेट, ये हो जाना चाहिए। कल से आपने बताया था आना तो मेरे जहन में आ रहा था कि यस दिस इज़ फीजिबल और इसको कर लेंगे। बिल्कुल, हाँ मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए बाकी सारा डेटा आपका ऑनलाइन आ गया है, रजिस्ट्रेशन का भी है, सारा कुछ है। सो अगर ये कस्टम वाला जो जो इनिशियल फैक्टर है, क्योंकि गाड़ी रजिस्टर तो बाद में होती है, कस्टम पहले क्लियर होता है, और अगेन जब आप अगर गाड़ी लेते हैं वो अनरजिस्टर्ड होती है तो उसमें कस्टमर का नुकसान मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर पुलिस उसको रोकती है, कोई भी इदारा रोकता है और उसकी रजिस्ट्रेशन गलत निकल आती है, टोकन कम निकल आता है, तो बड़ी छोटी अमाउंट है। बट अगर कस्टम शॉर्ट निकल आता है या खुदा ना खास्ता गाड़ी नॉन कस्टम पेड निकल आती है तो एक तो लीगल एक्शन भी होता है, दूसरा उसके पैसे भी जाते हैं, और तीसरा वो सड़क पर खड़ा होकर शर्मिंदगी का भी सामना करता है। सो एक तो ये है कि मेरे ख्याल से अगर वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है वो अगर आप किसी भी एक्साइज के दफ्तर चले जाएँ, इंपोर्टेड गाड़ी रजिस्टर कराने जाएँ तो जी वो कस्टम वेरिफिकेशन के नाम पे लोगों से रिश्वत ली जाती है। अगर वन विंडो ऑपरेशन हो वो भी है, और सरकार अगेन इट्स अ रेवेन्यू सोर्स फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो कि वो वन विंडो ऑपरेशन पर डिजिटली कर दे। अच्छा, दूसरा सवाल जो भी आपने बात की थी उससे रिलेटेड मेरे जहन में आया, तो मैं चाहूँगा आप हमारे ऑडियंस को बता दें कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, कस्टम के लॉ के मुताबिक अगर मैं एक नॉन कस्टम गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है अगर मुझे कस्टम वाले रोकते हैं या कोई भी रोकता है, तो एज ए यूज़र अगर मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरा क्या क्या स्टेक के ऊपर है? इस पे मैं पहले पर प्रोसीजर बताऊं कि हम गाड़ी को कैसे पकड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ज़रा पता चले व्यूअर्स को गाड़ी खरीदते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त कि नॉर्मली होता है कि हम ज़्यादातर खुद ऑन द मूव होते हैं, जो हमारा स्टाफ है वो ऑन द मूव होता है, किसी गाड़ी को चेज कर रहा होता है, उसका ज़्यादातर देखते हैं कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये तो बड़ा पुराना है, गाड़ी नए मॉडल की है, गाड़ी 2016 की है, रजिस्ट्रेशन 2010 में कैसे हो गई इसकी? बिल्कुल ठीक, तो ये पहले आता कि नहीं इसका मतलब ठीक है, हमारे पास डाटा है सारा रजिस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान का, बिल्कुल ठीक है, उसमें उंगली मारते हैं, देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन LEGs 31, 42
इसको डाला, उन्होंने कहा ये तो एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन मिली थी, ये तो आगे लैंड क्रूजर चल रही है, बिल्कुल। फिर हमने उसको रोकना होता है, उसके आगे जाके रोके, फिर वो बाजूकात होता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराई होती है या रजिस्ट्रेशन गलत है लेकिन गाड़ी ड्यूटी पेड है, ठीक है। फिर उसके लिए फिर सबसे कार्डिनल और सबसे अहम चीज़ है कि उसका चेसिस नंबर गाड़ी का, सही है, चेसिस नंबर, बोनट खोल के चेसिस नंबर। वो अव्वल तो हम लैपटॉप कैरी कर रहा होता हमारा स्टाफ जो गाड़ियों का इंटरसेप्ट करते हैं, उनके पास लैपटॉप है जहाँ डाटा ऑनलाइन मौजूद है सारा, सही है। उस चेसिस नंबर को हम अपने सिस्टम में डालते हैं, सही है। वो सिस्टम बताता है कि ये 2010 मॉडल लैंड क्रूजर है, वाइट रंग की है, इसका ये इंजन नंबर है और इसका ये सीट बेल्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है, सही है। वो चीज़ें देख लें तो फिर इत्मीनान हो जाता है कि गाड़ी ड्यूटी पेड है। फिर हम उनको कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसकी आप ठीक करा लें, ये रजिस्टर आपने नंबर ठीक नहीं लगाया हुआ इसके ऊपर, उसको हम जाने देते हैं। लेकिन अगर हमारे डाटे में आए ना, ठीक है, फिर दो ऑप्शन और हैं कि जी एक यहाँ से कि ऑक्शन की गाड़ी हो, सही है। अब वो हमने सारा ऑक्शन का डाटा भी सिस्टम में डाल दिया हुआ है, बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी कलेक्ट्रेट्स हैं, डायरेक्ट्रेट्स हैं, जहाँ जहाँ गाड़ी पकड़ती हैं, गाड़ी को ऑक्शन करते हैं, वो भी हम अपने अपने वी बॉक्स सिस्टम के अंदर वो सारा डाटा भी डाल दिया हुआ, ठीक है। तो उसको भी हम ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हैं। वो कहते हैं ऑक्शन की पहले हम देखते हैं कि इंपोर्टेड गाड़ी है, उसको सिस्टम में देखते हैं अपने वी बॉक्स सिस्टम में, अगर वो इंपोर्टेड होगी तो वो उसी वक्त सिस्टम में डिस्प्ले होगा सारा, ठीक है, कि ये गाड़ी है, और आप वेरीफाई करेंगे फिजिकली कि वही है तो छोड़ देते हैं उसी वक्त, ठीक है। और अगर वो उधर नहीं आई तो फिर दूसरी ऑप्शन है कि शायद उन्होंने ऑक्शन में खरीद ली हो, सही है। फिर ऑक्शन वाली वेबसाइट पर जो हमारे वी बॉक्स के अंदर है उस पर जाके देखते हैं, वहाँ डाटा निकल आएगा कि हाँ जी ये चेसिस नंबर ये क्वेटा कलेक्ट्रेट ने 2016 में बेची थी ये गाड़ी, फिर भी गाड़ी छोड़ दी जाती है, ठीक है। फिर तीसरा है जी कि शायद एमनेस्टी स्कीम में ना गाड़ी रिलीज हुई हो, क्लियर हुई हो, जो 2013 में आई थी, हाँ जी बिल्कुल। अब हमने वो सिस्टम वे भी सारा अपलोड कर दिया हुआ डाटा सिस्टम के अंदर। फिर तीसरा ऑप्शन है उधर भी देखते हैं कि एमनेस्टी स्कीम में तो नहीं ये गाड़ी निकली हुई, उधर देखते हैं, अगर उधर निकली आई फिर भी छोड़ देते हैं, सही। और अगर तीनों में ना हो, चौथा केस जिसका मेरा सवाल ये था कि उसको पता है जिसके यूज़र को, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग जो है ना लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और मैं उनको हमेशा डिस्करेज करता हूँ, तो अगर पकड़ी गई गाड़ी और नॉन कस्टमर तो फिर क्या होगा? फिर चौथी सिनेरियो ये है कि ये तो फिर ड्यूटी पेड नहीं है, ठीक है। फिर बहुत थोड़ा चांस है कि ऑक्शन में, वेरी रेयर चांस कि ऑक्शन में ये एमनेस्टी में चूँकि डाटा मैनुअली अपलोड किया हुआ है, सही, तो कि उनके पास GD की कापी मौजूद है जेन्युइन और सिस्टम में नज़र नहीं आ रही, ये शायद 1,000 या 10,000 में एक केस हो, ठीक है, कि वो फिर देख लेते हैं कि गाड़ी जब GD की कापी सामने आती है तो फिर वो अपने रिकॉर्ड से मैनुअल रिकॉर्ड से भी मैच कर लेते हैं, अगर वो हो जाए तो अपना सिस्टम भी में भी डाल देते हैं उसको, गाड़ी छोड़ देते हैं, लेकिन ये वेरी रेयर है, ठीक है। ज़्यादातर अगर तीनों में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये गाड़ी नॉन ड्यूटी पेड है, ठीक है सर। फिर नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी को हमने क्या करना होता है? फिर उसके आगे भी दो सीन आ गए कि एक है कि गाड़ी जेन्युइन है, उसके ऊपर कोई उसके चेसिस नंबर को पंच नहीं किया हुआ, वो एक जेन्युइन चेसिस नंबर है, ठीक है। फिर उस गाड़ी को हम पकड़ लेते हैं और गाड़ी को पकड़ के हुक्म है कि वहाँ उसके ऊपर FIR भी करनी है, जो गाड़ी लेके कैरी करा है, जो जिसकी भी गाड़ी है वो, सही है। क्योंकि पहले मुझे पता कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पहले पाकिस्तान में ऐसा कोई उसूल नहीं था कि जो बस गाड़ी पकड़ के छोड़ देते थे, इसीलिए लोगों के अंदर बड़ी हल्लाशेरी थी कि जी ठीक है नॉन कस्टम गाड़ी रख लो क्या होगा, मैक्सिमम पे गाड़ी चली जाएगी ना। बट वट आई हैव हर्ड कि अब ये रूल है कि जिसकी गाड़ी उस पर भी होगा तो जो इज्जत का फैक्टर है दैट इज ऑल्सो एट स्टेक, तो ये सच जी ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ठीक है, कि आप जब भी नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी पकड़ें तो उस पर FIR भी दर्ज करें, ठीक है। तो फिर अब FIR भी दर्ज होती है ताकि ज़रा तकलीफ हो जिन्होंने जानबूझ के ये नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी खरीदी, ठीक है। और ज़्यादातर को पता होता है कि ये नॉन ड्यूटी पेड है क्योंकि उसकी कीमत बता रही होती है कि ये नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी, सही है। उसमें भी दो सिनेरियो चले, हम कहते हैं जी एक के साथ धोखा हुआ और एक को पता था, दोनों केस में FIR हो गई, हाँ FIR हो गई। फिर धोखा हुआ तो फिर जिसने धोखा दिया तो जिससे भी वो खरीदी गई उस रैकेट तक पहुंचा जाता है जी, उधर पहुंचा जाता है। बाज़ औक़ात होता है कि उसने आगे पांचवे छठे हाथ भी की होती है, बिल्कुल, इसमें से कोई एक मिसिंग हो गया लिंक, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल कल्प्रेट के ऊपर पहुंचना, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कि फिर पहुंचा जाता है, लेकिन वो गाड़ी भी जब्त हो जाती है, फिर गाड़ी जब्त हो जाती है उस पर हमें ड्यूटी टैक्स लेने की इजाज़त नहीं है, जो लेने की इजाज़त, हाँ, यानी कि जो नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी है, दूसरे लफ्ज़ों में स्मगल गाड़ी, सही है। अगर इफ़ वी गेट होल्ड ऑफ दैट व्हीकल, उस व्हीकल को देन देर इज़ नो ऑप्शन टू रिलीज द व्हीकल इवन ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड फाइन, नो ऑप्शन, गाड़ी गई, गाड़ी जब गाड़ी गई, यानी जिसने भी उसमें पैसा लगाया वो टोटल पैसा गया, टोटल पैसा गया, ठीक है। और इज़ देर एन ऑप्शन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो फिर उसको फिर आप ऑप्शन करते हैं, अब उस पर ऑप्शन वाली फिर दो आगे, मेरा सिर्फ एक सवाल है छोटा सा, वो आगे उस पर डिटेल पे भी आ जाएंगे। सो आपने मेरे से एक चीज़ पकड़ी, मेरे से आपने इसलिए पकड़ी कि मैंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया था, एग्जांपल दे रहा हूँ। सो लेट्स से अगर उस पर ड्यूटी 30 लाख थी और आप ऑप्शन करते हैं वो करोड़ रुपये की बिकती है,
तो शुडेंट बी द केस को 70 लाख मुझे वापस दिए जाए? ये मैं ऐसे कि अगर जब गाड़ी फिर उस गाड़ी की पहले एडजुडिकेशन होती है, ठीक है, यानी कि उसके फैसला होता है, FIR है तो दो जगह के ऊपर केस चलता है, सही, एक स्पेशल जज कस्टम के पास, वहाँ तो जेल के अंदर सजा, ठीक, दूसरी हमारे कलेक्ट्रेट के अंदर एडजुडिकेशन कलेक्ट्रेट्स हैं, सही, वो जिसकी पावर है AC एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर जिसकी भी वो पावर में फॉल करता है वो उसको एडजुडिकेट करता है, उसके फैसला करता है केस का, सही है। और फिर इस ऐसी गाड़ियों के बारे में कस्टम एक्ट के अंदर लिखा हुआ कि इस पर ऑप्शन है ही नहीं ड्यूटी टैक्स पे करने की, ठीक है, वो गाड़ी जब्त हो जाती है, सही है। जब्त होती है तो बकार सरकार जब्त हो गया, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस गाड़ी के मालिक है, अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज दी ओनर ऑफ दैट व्हीकल, अब उसमें जितने के भी बिकी वो गाड़ी, वो सारे का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में गया, ठीक है। उस पर अगर ये जो आपने सिनेरियो खींचा था वो ये है कि गाड़ी इंपोर्ट की उसके पास अब पैसे नहीं है उसके ड्यूटी पे करने के, हाँ जी, वो अक्सर पोर्ट पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो वो उस चीज़ उसमें आ जाता है कि जब उसको ऑक्शन करते हैं उसमें हम अपनी ड्यूटी टैक्स ले लेते हैं, उससे ज़्यादा पैसा जितना भी वो मालूम है। और उसकी रीज़न मेरा ख्याल वही है, मैं यूज़र्स के लिए बताता चलूँ, जो लोगों का भी सवाल होगा कि बेसिकली वो एक लीगल पोजेशन होता है आपका, आपने गाड़ी इंपोर्ट की, लीगली इंपोर्ट की, आपकी चीज़ थी, आपका उस पर टाइटल था, आप ड्यूटी के पैसे नहीं दे सके तो क्लियर करा ली, बट जिस केस में नॉन कस्टम गाड़ी है वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने गाड़ी ली जो इलीगल थी, तो आप उसके पोजीशन में थे या नहीं थे, वो असल में आपका पोजीशन था ही नहीं, वो इसलिए भक्के सरकार जब्त हो जाती है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल मेरे जहन में आता है इसी से रिलेटेड कि एक तो आपने बताया कि ये जो बेसिकली FIR हो सकती है, उनकी गाड़ी जा सकती है, ये एक्सट्रीम केस है। जिस केस में अगर वही बात है कि एक आम यूज़र है उसके साथ धोखा हो रहा है और अगर वो गाड़ी ले रहा है, तो यूज़र के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी खरीदते हुए उसका क्या क्या चेक कर सकता है? इस पे कि यूज़र ने या जो इस वक्त गाड़ी इस वक्त जिसकी पोजेशन में है, अगर उसको जनरल भी नहीं भी पता कि ये नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी थी, इवन देन फिर भी वो गाड़ी गई, गाड़ी भी गई इवन FIR भी, फिर ज़रा FIR में जो चलान होता है उसमें लिख दिया जाता है कि ये बेगुनाह, इनको नहीं पता था, ठीक है, तो उसमें वो उनकी जान छूट जाती है, लेकिन जहाँ गुनाहगार हो तो वो जेल भी है इसके अंदर साथ। हाँ जी, वो तो मैं ये कह रहा हूँ, आम बंदा जो गाड़ी खरीदने जा रहा है अब वो शिकार हो सकता है किसी भी एक रैकेट का जो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसके ऊपर क्या, बिकॉज हमने उर्दू में अक्सर ये सुना है कि जी मुश्तरी होशियार बाश है, जो गाड़ी ले रहा है वो खुद जिम्मेदार है, तो एक्साइज वाले होंगे जो मतलब हमारी रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर स्टैंप लगी होती है प्रोविजनली रजिस्टर्ड विच आई एम अनेबल टू डिकोड टू डेट, कि अगर सरकार एक गाड़ी रजिस्टर कर रही है उस पर भी आर्जी तौर रजिस्टर पर लगा, जो स्टैंप क्यों लगी जाती है, हर चीज़ की जिम्मेदारी यूज़र पे है। तो एक यूज़र जो अपने हार्ड एंड मनी लेके गाड़ी खरीदने जा रहा है, कस्टम से रिलेटेड उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है? उस पर हर गाड़ी के साथ उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, मसलन लोकली प्रोड्यूस्ड गाड़ी है, पाकिस्तानी गाड़ी है, तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स की रसीद और सारी रसीदें कि इस शोरूम से खरीदी गई, और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स सारे होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चूँकि वो हार्ड एंड अमाउंट होती है लोगों की, वो मेरी दरख्वास्त है कि लोग उसको ज़रा पहले वेरीफाई करवा लिया करें, उसमें एक आध दिन की तकलीफ ज़रूर है। लोकल के केस में तो वेरीफाई है, उसने कंपनी से करा दी, हाँ। इंपोर्टेड में मेरा वही सवाल है कि टू माय नॉलेज अभी ऐसी कोई विंडो नहीं कि मैं इंपोर्टेड गाड़ी ले रहा हूँ, मैं आपके कस्टम के किस दफ्तर जाऊँ, किस बंदे के पास जाऊँ, वहाँ पे कोई उसके फीस मौजूद है और वो मुझे उसको अटेस्ट करके देगा, मेरी नॉलेज में नहीं है। बिकॉज एक ग्रे चैनल ज़रूर है कि आप अपने एजेंट को भेज दें, क्लियरिंग एजेंट को, यार चेक करके बता दो, वो कहेगा जी हम मैं देख के बताता हूँ, बट वो ज़बानी काम है। आफ्टर 10 ईयर्स इफ़ आई एम गॉट कॉट बाई कस्टम कि यार आपकी गाड़ी इलीगल है, तो मेरे पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं कि मैं दिखाऊं कि जी मैंने 2010 में गाड़ी खरीदी थी और मैंने वेरिफिकेशन ली थी आपसे, वो सवाल मैं पूछूं। अभी भी जो कि वेरी रेयर है कि लोग इतनी तरद्दुद करें या इतनी मेहनत करें, तो हमारे पास तरफ भी इसको ज़रा बेहतर करने की खासी गुंजाइश मौजूद है। आप इन सवालों से लगा कि सिस्टम अपना भी हम इम्प्रूव कर लेते हैं, सही। नहीं तो नॉर्मली है कि अगर कोई ऑफिशियली हमें खत लिखे कि मैं ये गाड़ी ख़रीदने लगा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे इसके दिए गए हैं, इसको ज़रा वेरीफाई कर दें, तो हमें वी आर ड्यूटी बाउंड टू रिस्पॉन्ड। फिर हम उसको बताते हैं कि हाँ जी ये गाड़ी ठीक है, इसकी ये GD है, यही हमारे पास ओरिजिनल भी मौजूद है, ये ठीक है, और हमारा कवरिंग लेटर के साथ वो वापस आएगा कि हाँ ठीक है। लेकिन उससे बहुत बेहतर है कि जो बात आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो पहले भी मेरे जहन में ये आ रहा था कि हम अपना एक तो है कि नेशनल सिंगल विंडो हम लॉन्च करने लगे हैं, जो अगले साल 2021 में इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएगा। उस पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने महकमे हैं, गल 38 के करीब महकमे हैं, वो सारे के सारे कस्टम्स की इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, सही है। तो सारे जिसने जो डॉक्यूमेंट्स, जो सर्टिफिकेट जिस महकमे से भी चाहिए, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, वहाँ आगे दिन लिखे होंगे कि इतने दिनों के अंदर उस महकमे ने वो सर्टिफिकेट इशू करना है, सही। अगर नहीं कर रहा इशू तो फिर रीज़न होगी,
और फिर वो रीजन नहीं तो जो हमने एनवी सेज किया वह फिर उससे अगले अफसर के ऊपर चली जाएगी। ठीक है कि इन्होंने 3 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू करना था, दैट हैज़ नॉट बीन इशूड, नाउ यू लुक इनटू द मैटर। सही है। तो वो सीनियर अफसर देखेगा कि क्यों 3 दिन पर पड़ा हुआ। अल्टीमेटली इट्स द प्राइम मिनिस्टर, जो हमने वो ओरिजिनल सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ कि हर महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास वो मीटिंग चेयर करेगा कि जी ये इतनी देर क्यों हुई, एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो भी होगा फिर वो आंसरेबल होगा कि जी 3 दिन लगने चाहिए थे, 8 चेयरमैन एफबीआर इन दिस केस, यस चेयरमैन एफ बी आर इन दिस केस, या अपने अपने जो जो महकमे हैं जैसे फोर्थ वो आप कह रहे हैं मानमेंडो, तो सारे महकमों के उसमें सारे महकमे उसमें आ जाएंगे। उस पर अब मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं, अब इसको भी हम कर सकते हैं। ये आइडियल ये है इसमें कि जिस सारे जो एम आर एस हैं, जो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, ये आपस में भी लिंक हों। सही है। और ये सारे के सारे हमारे वी बॉक के साथ भी लिंक हो। कुछ बड़े शहर हैं लिंक्ड, मसलन कराची हमारे वी बॉक के साथ लिंक्ड है वो सारा। सही है। वो खत नहीं लिखते वहाँ, वो सिस्टम में देखते हैं हमारे कि ये व्हीकल हैज बीन ड्यूटी पेड, तो सिस्टम में देखते हैं वो गाड़ी रजिस्टर हो जाती है। तो ये सारे जितने भी मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं दैट शुड बी लिंक्ड विद वी बॉक सिस्टम। सही है। और फिर वो आपस में भी लिंक हों। अगर नेशनल सिंगल विंडो के ऊपर, अब ये मेरे एक ये भी आइडिया आ गया कि हम ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर दें कि सारे वो आपस में भी देख लें। इसका फ़ायदा जो बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक गाड़ी मसलन गाड़ी एक गाड़ी है जो जेन्युइन ड्यूटी पेड है और उसको बाद का जो अनासर है कुछ कर लेते हैं कि चेसिस नंबर को टेम्पर्ड कर लेते हैं। सही है। चेसिस नंबर टेम्पर्ड कर लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक ये ड्यूटी पेड है, जबकि वो कोई और गाड़ी थी, वो भी सफेद लाइन क्रूजर है, ये भी सफेद लाइन नए मॉडल के ऊपर करके उसको कर, तो वो उसको कोयटा में रजिस्टर करा लिया, एक को कराची में रजिस्टर करा लिया, तो अब दोनों में गैप है कि दोनों को नहीं पता। सही है कि एक ठीक है इसमें से एक गलत है, ये एक से ज़्यादा जगह पर रजिस्टर हो गए। मेरा अगला सवाल ये था डुप्लीकेशन के, वो भी आप बता, वो अगर एमआरएस सारे के सारे आपस में भी कनेक्टेड हो, जो कि हम कर उनको ये भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि गाड़ी एक दफ़ा अगर रजिस्टर हो गई पाकिस्तान में किसी एक जगह भी, अगर वो गाड़ी दोबारा किसी पाकिस्तान में किसी भी जगह पे चेसिस नंबर होने नहीं चाहिए, अगर होएगी तो सिस्टम रेड ब्लिंक कर देगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गाड़ी। ठीक है। तो एक चांस है कि जो अब आ रही है ये जेन्युइन थी, जो पहली हुई है वो नॉन जेन्युइन है। हाँ जी, ऐसे कई केसेस हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर जिनकी गाड़ी अब रजिस्टर कराने जाते हैं पता लगता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हाँ, तो वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फिर वो वहाँ एड्रेस वगैरह सारा कुछ होता है, फिर वहाँ जाए तो पता चले कि भेज दी हुई है किसी, जहाँ भी गए बहरहाल उस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है कि ये तो ठीक है, फिर गाड़ी का अगर चेसिस नंबर है वो भी, चूँकि हमारे पुलिस के पास बड़ी अच्छी लेबॉरेटरीज हैं, वो चेसिस नंबर को डिसाइफर कर लेते हैं सारे। सही है। कि चेसिस नंबर ओरिजिनल है कि ये टेम्पर्ड है। ठीक है। तो ओरिजिनल है तो जो ओरिजिनल है वो ठीक रहेगी, जो टेम्पर्ड है उसको पकड़ लिया जाएगा। चार में बड़ी अच्छी बात करी, मेरा अगला सवाल आ गया इससे रिलेटेड। अब ऐसे कई लफ्ज़ हैं जिनको ना हमारे मुल्क में इस्तेमाल करके पब्लिक को डराया जाता है, मतलब एक आम शरीफ आदमी अगर उसको नाके पे पुलिस रोके ना कि जी थाने चलो, तो उसके लिए वही ख़त्म हो जाती है। सिमिलरली जो कस्टम के लोग हैं, जो वो गाड़ी रोकते हैं ना, तो उनका पहला सवाल होता है, पहला तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि कस्टम का कौन सा अफसर आपकी गाड़ी रोक सकता है, उसके पास क्या यूनिफॉर्म होगा, किस लेवल के बंदे की क्या अथॉरिटी होगी। बिकॉज हमने कई दफ़ा देखा है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मैं हेयर से की बात नहीं करता, कि एक बंदा ग्रे शलवार कमीज में खड़ा है चरक के चौक पर रात के 12-2 बजे, उसने हाथ दिया और रोक लिया आपको।